हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SMD वाला ऑडियो वोट ले या फिर हमारा नॉर्मल थ्रू होल वाला। थ्रू होल मतलब जो हमारा एक साइड पर कंपोनेंट होता है, दूसरे साइड पर सोल्डर रहता है, और SMD मतलब एक ही साइड पर हमारा कंपोनेंट और उसी साइड पर हमारा सोल्डरिंग पॉइंट। तो SMD के अंदर आपको अच्छा क्वालिटी बोर्ड मिलता है। SMD के अंदर आपको साउंड क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको थ्रू होल में ज्यादातर जो लोकल ब्रांड होता है वो थ्रू होल के अंदर ही रहता है, और वहाँ पे आपको उतना अच्छा क्वालिटी साउंड नहीं मिलेगा अगर हम SMD के साथ कंपेयर करें तो। और SMD के अंदर आपको एक और टाइप का ऑडियो एम्पलीफायर मिलता है जो कि है क्लास D, और वहाँ पे आपको एफिशिएंसी के मामले में काफी अच्छा मिलता है, लगभग 90% एफिशिएंसी मिलता है, लेकिन हमारा क्लास AB के अंदर लगभग 70% से लेकर 60% एफिशिएंसी मिलता है। तो इस मामले में अगर देखें तो आपको SMD में साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगा, मतलब ऐसा कि आपका जो थ्रू होल में अगर यहाँ पे कुछ एम्पलीफायर थ्रू होल के अंदर आपका 7294 अगर IC यूज हो रहा है, वही IC अगर SMD के अंदर यूज हो रहा है तो वहाँ पे SMD के अंदर आपको थोड़ा सा इम्प्रूव साउंड मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कॉम्पोनेंट यूज होगा और यहाँ पे उतना कंपोनेंट नहीं यूज होगा, क्योंकि उस पे आपका साउंड जो साइज है, बोर्ड का साइज है, वो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आपका SMD के अंदर थोड़ा सा छोटा सा जगह पर ही आप बहुत सारा कंपोनेंट लगा सकते हो, उसके कारण उसका साउंड भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे SMD के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा तकलीफ आती है। आपका अगर मेन प्रायोरिटी है आपका साउंड क्वालिटी तो आपको SMD के साथ ही जाना होगा, और एफिशिएंसी के मामले में आपको क्लास D चूज करना है। तो दोनों का साउंड क्वालिटी सेम है, क्लास AB और क्लास D का साउंड क्वालिटी सेम है, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में आपको क्लास D के साथ जाना होता है। देखिए यहाँ पे क्लास AB और बहुत एक क्लास होता है ऑडियो एम्पलीफायर का, क्लास AB आपको 7294 या फिर आपका 7520194 से बना हुआ जो एम्पलीफायर होता है वो लगभग ज्यादातर आपको क्लास AB के अंदर मिलता है, और 3055 भी आपको क्लास AB के अंदर मिलता है। तो एफिशिएंसी के मामले में आपको और साउंड क्वालिटी के मामले में आपको SMD बोर्ड के साथ जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसको रिपेयर करके यूज करना है और ज्यादा दिन तक चलाना है, ऐसा नहीं है कि SMD ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसका मेन नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये ज्यादातर यूज एंड थ्रो, और आज के डेट में यही ज्यादातर चल रहा है यूज एंड थ्रो, क्योंकि इतना कम प्राइस पर आपको कॉम्पैक्ट एक एम्पलीफायर मिल जाता है तो आपको यूज एंड थ्रो ही ज्यादातर करना होता है। तो बस यही था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ जानकारी चाहता हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, और आगे इस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।